बिग बॉस के सीजन 14 में कल रात को गेम पलटती हुई नजर आई, जहां एक तरफ बायस होते हुए पारस छाबड़ा ने संचालन करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए रुबीना दिलायक को टिकट टू फिनाले दे दिया। वहीं ध्यान देने वाली बात यह थी कि रुबीना दिलायक ने टिकट टू फिनाले का यूज ना करते हुए उसे निकी तंबोली को दे दिया। वाली टिकट मिलने के बाद निकी तंबोली के फैंस तो खुश हुए ही, साथ ही साथ रुबीना दिलायक के फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन साथ ही उनके दिमाग में ये बात भी आई होगी कि आखिर क्यों निकी तंबोली को उन्होंने अपना टिकट टू फिनाले दे दिया। वाल आपको बता दें कि रुबीना दिलायक ने इस बार बहुत ही समझदारी से काम लिया है। अगर आप बिग बॉस को शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बिग बॉस ने राखी सावंत और रुबीना के पानी डालने वाले कांड के बाद रुबीना को यह सजा दी थी कि आप हर हफ्ते नॉमिनेट रहेंगी। बालाजी के साथ पारस छाबड़ा ने एक बड़ी चालाकी खेलते हुए रुबीना दिलायक को ये टिकट दे दिया, क्योंकि उनको पता है कि टिकट का कोई भी यूज रुबीना दिलायक नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड रहेंगी। ऐसे में रुबीना दिलायक ने अपना दिमाग चलाते हुए उस टिकट को ट्रांसफर कर दिया निकी तंबोली को। अब इससे सीधा सीधा फायदा होने वाला है रुबीना दिलायक को, क्योंकि रुबीना दिलायक के जो फैंस हैं उनके साथ साथ अब निकी तंबोली के फैंस भी रुबीना दिलायक को सपोर्ट करेंगे। वेल, क्या लगता है आपको, क्या रुबीना दिलायक जीत पाएंगी बिग बॉस 14 का ये सीजन? हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।